नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के क्षेत्र नेटोर से। जंगल में युवती के साथ जबरन रेप कर बनाई वीडियो सोशल मीडिया पर, वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में नेटोर पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार। बता दें कि बिजनौर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ अभियुक्तों द्वारा युवती से जबरन रेप करने का मामला प्रकाश में आया है। यह वायरल वीडियो एक महीने पहले का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में आरोपी युवक द्वारा युवती से जबरन जंगल में रेप किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में ले लिया है और विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। जानकारी के मुताबिक यह दोनों युवक दबंग टाइप के हैं। जंगल में एक युवती को अकेला पाकर पहले तो उसके साथ जबरन बलात्कार किया, बाद में उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को लेकर पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्तों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके तहत पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि एक ही समुदाय के एक युवक एक युवती का शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर पीड़िता के घर वालों ने अभियुक्तों के खिलाफ थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके 376 व अन्य धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से तुषार वर्मा और नेहटोर से हमारे संवाददाता मोहम्मद फैजान की खास रिपोर्ट। मम्मी रोज बचा के वो सबको देख ले, वीडियो वायरल कर दूंगा। कहाँ जा रही है? जनपद बिजनौर का दुराचार के संबंध में एक वीडियो वायरल है। यह मामला एक समुदाय के दो वयस्क लड़के लड़कियों का वीडियो है, जो एक महीना पुराना है। यह वीडियो बनाया गया था, इसके संबंध में परिजनों द्वारा कल प्रार्थना पत्र दिया गया है। 376/506 IPC 67 IT Act का अभियोग पंजीकृत है। इसमें शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद विधिक कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। इनको शीघ्र ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके सजा दिलाने की कार्रवाई कराई जाएगी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।